इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो में हम सिर्फ फार्मा न्यूज़ की हेडलाइंस डिस्कस करेंगे। बताए गए किसी भी न्यूज़ की ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स रेफर करें। नेटको ने लॉन्च की एंटी ब्लड क्लॉट टैबलेट रिवेरॉक्साबेन इंडिया में रैपिगेट के नाम से। रिवेरॉक्साबेन करेंटली सोल्ड की जाती है बेयर्स फार्मास्यूटिकल के द्वारा सिरोल्टो के नाम से इंडियन मार्केट में। कैंसर रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई की पोटेंशियल न्यू क्लास ऑफ ड्रग ट्रीट करने के लिए ब्लड एंड बोन मैरो कैंसर। क्लेवलैंड क्लिनिक ट्यूसेक्स कैंसर इंस्टीट्यूट जो कि ओहायो में स्थित है, उनके रिसर्चर्स ने डिस्क्राइब किया नोवल क्लास ऑफ टारगेटेड कैंसर ड्रग्स जो कि इफेक्टिव प्रूफ होगी ट्रीट करने के लिए सर्टेन कॉमन टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया। USFDA ने अप्रूव किया इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इमरजेंसी यूज के लिए बार्टिसनेब एंड रेमडेसिविर के कॉम्बिनेशन को कंफर्म्ड COVID-19 पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। बार्टिसनेब प्लस रेमडेसिविर अकॉर्डिंग टू USFDA इफेक्टिव साबित होगा रिड्यूस करने के लिए रिकवरी टाइम एंड एक्सेलरेट करने के लिए इम्प्रूवमेंट इन क्लिनिकल स्टेटस ऑफ COVID-19 पेशेंट्स। FDA एडवाइजरी कमेटी ने रिकमेंड किया यूज ऑफ एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंटेस्टो वेल सर्टेन फॉर हार्ट फेलियर। इस मेडिसिन का यूज़ किया गया पैरागॉन HF ट्रायल के बेस पे। पैरागॉन HF एक तरह का ट्रायल था जिसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स पे स्टडी की गई और उनमें देखा गया कि एंटेस्टो काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो रही है रिड्यूस करने के लिए वोर्सनिंग हार्ट फेलियर इफेक्ट्स पेशेंट्स में। USFDA ने अप्रूव किया फर्स्ट इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन COVID-19 वैक्सीन के लिए। COVID-19 जिसको हम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2 के नाम से भी जानते हैं फॉर 16 ईयर्स एंड ओल्डर पर पेशेंट्स के लिए। द इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ने अलाउ किया फाइजर बायोटेक को COVID-19 वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थ्रू आउट द US। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।